एकता परिषद से राजगोपाल जी, रण सिंह जी, श्रद्धा जी, रमेश जी, प्रदीप जी, अनीस जी और जिल बेबिस बेबिन, और कांग्रेस पार्टी से दीपक बाबरिया जी, कमलनाथ जी, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, टीएस सिंहदेव जी, दिग्विजय सिंह जी, रामनिवास जी, भाइयों और बहनों, प्रेस के हमारे मित्रों, आप सबका यहां बहुत बहुत स्वागत। गर्मी में आप यहां हमारी बात सुनने आए, इसके लिए दिल से आपको धन्यवाद। एकता परिषद और कांग्रेस पार्टी के हमारे सब कार्यकर्ता, आपका भी यहां दिल से स्वागत, नमस्कार। गांधी जी हिंदुस्तान की आजादी के लिए लड़े थे, अंग्रेजों से लड़े थे, मगर लक्ष्य अंग्रेजों को निकालने के बाद हिंदुस्तान के हर नागरिक को उसकी जगह, उसका हक हिंदुस्तान में मिले, इसलिए गांधी जी लड़े थे, इसलिए कांग्रेस पार्टी उन दिनों लड़ी थी। अंग्रेजों के जाने के बाद बड़े कदम लिए गए और बहुत प्रगति हुई। सबसे पहला काम, हर व्यक्ति को एक वोट दिया गया, कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया और हिंदुस्तान में हर व्यक्ति को कम से कम अधिकार दिया गया। शुरुआत वहीं से हुई और जो भी बना है उस कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर बना है। जो भी अधिकार आज हिंदुस्तान में हमें मिलते हैं वो सब कॉन्स्टिट्यूशन के बल पे मिलते हैं। हरी क्रांति हुई, सफेद क्रांति हुई, रोटी कपड़ा मकान की बात हुई, देश में ग्रीन रेवोल्यूशन ने किसानों को मजबूत किया, अधिकार दिया और आस्ते 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 लड़ते हुए यह देश यहां तक पहुंचा है। अमेरिका का राष्ट्रपति कहता है कि हमारा मुकाबला आने वाले दिनों में सिर्फ दो देश कर सकते हैं, एक है चाइना और दूसरा है हिंदुस्तान। और अगर अमेरिका का राष्ट्रपति यह कहता है तो उसका यही कारण है कि हिंदुस्तान में हमने निर्णय लिया कि हर व्यक्ति को, हर महिला को, हर पुरुष को, हर आदिवासी को, हर दलित को हम अधिकार दे के ही रहेंगे। और अगर आप राजनीति को देखें तो यही लड़ाई राजनीति में चल रही है। कोई लोग कहते हैं कि हिंदुस्तान का पूरा फायदा चुने हुए लोगों को मिलना चाहिए। राजगोपाल जी ने कहा किसान आदिवासी अपनी जमीन के लिए जिंदगी देता है, मरता है, दिन भर लड़ता है, और जब हिंदुस्तान के 10-15 उद्योगपति जमीन मांगते हैं तो जादू से उनको हजारों एकड़ जमीन मिल जाती है। किसी को पता नहीं लगता कैसे, कहां से, किस प्रकार से हजारों एकड़ किसी उद्योगपति को दिए जाते हैं।
हम जमीन अधिकरण बिल लाए। हमने कहा 2013 में हमने कहा नहीं, किसानों से, गरीब जनता से जमीन ऐसी नहीं छीनी जा सकती। और हम जमीन तो सबसे पहले पंचायत से पूछकर, किसान से पूछकर जमीन ली जाएगी। दूसरी बात, मार्केट रेट से 4 गुना ज्यादा कॉम्पेंसेशन दिया जाएगा। और उस बिल में हमने आपके अधिकार की लड़ाई लड़ी, और सारी की सारी पार्टियों ने लोकसभा में, मैंने स्वयं देखा, बीजेपी, कांग्रेस पार्टी, समाजवादी, सब की सब पार्टियों ने कहा हां हम जमीन अधिकरण बिल का समर्थन करते हैं। वोट हुआ पार्लियामेंट में, मुझे याद है सुषमा स्वराज जी थी, उन्होंने बटन दबाया और सबने कहा कि हां किसान को, गरीब जनता को जमीन का अधिकार मिलना चाहिए। 2014 में नरेंद्र मोदी जी बीजेपी सरकार बनाए और कुछ ही दिनों में पता लगता है कि जमीन अधिकरण बिल को बीजेपी रद्द करना चाहती है, खत्म करना चाहती है। और जो अधिकार हमने आपको दिया और वो आपका हक है, ये हमने आपको कोई तोहफा नहीं दिया, कोई फ्री गिफ्ट नहीं दिया, हमने आपको अपनी आपकी जमीन का हक दिया, उस अधिकार को बीजेपी के लोग पार्लियामेंट में, लोकसभा में, राज्यसभा में रद्द करने की कोशिश कर रहे थे। कांग्रेस पार्टी के पास लोकसभा में ज्यादा एमपी नहीं है, मगर कांग्रेस पार्टी का हर एक एमपी आपके अधिकार के लिए लड़ा। राज्यसभा में, लोकसभा में हम लड़े और उनको हमने रोका। जमीन अधिकरण बिल को हम नहीं कर पा रहे हैं, आप इसको मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में, जहां भी बीजेपी की सरकार है, इस बिल को आप उसी स्टेट्स में खत्म कर दो। और वो हुआ। दुख की बात है, जो हमने आपको अधिकार दिया था वो मध्य प्रदेश की सरकार ने, छत्तीसगढ़ की सरकार ने, राजस्थान की सरकार ने, उत्तर प्रदेश की सरकार ने आपसे छीना। और जो आपको कॉम्पेंसेशन मिलना चाहिए था, जो आपकी रक्षा होनी चाहिए थी, उन्होंने उसको खत्म किया। पंचायतों का बहुत बड़ा रोल है। कांग्रेस पार्टी का कहना है कि शक्ति पंचायत में होनी चाहिए, इसीलिए हमने आपको पंचायती राज दिया, इसीलिए हमने महिलाओं को रिजर्वेशन दिया पंचायती राज में। शुरुआत हमने की थी और लक्ष्य यह था, सोच यह थी कि पंचायतों में ही आपकी लड़ाई लड़ी जानी चाहिए, पंचायतों में भी आपको अधिकार मिलना चाहिए। और अगर आप हमारे कानून देखें, अगर आप मनरेगा को देखें, मनरेगा की पूरी शक्ति पंचायत में थी। पंचायत प्रधान ये लोग निर्णय लेते थे, जो आप लोग चुन कर लाते थे। नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई और पंचायतों को उन्होंने कमजोर किया। उनकी सोच है कि ब्यूरोक्रेट्स, ब्यूरोक्रेसी इस काम को चलाए, अधिकारी इस काम को चलाएं, इस चीज को चलाएं। तो जो भी हक हमने आपको दिए थे, चाहे वो मनरेगा हो, चाहे वो भोजन का अधिकार हो, हमने उन सब को पंचायत के माध्यम से चलाने का निर्णय लिया था। और बीजेपी के लोगों ने पंचायती राज के ढंग के ढांचे पर ही आक्रमण शुरू कर दिया है पूरे देश में। मोदी जी कहते हैं कि मनरेगा हम भी चलाते हैं, बिल्कुल सही बात है, बीजेपी मनरेगा को चलाती है, मगर पंचायत के माध्यम से नहीं चलाती। बीजेपी
अफसरों से, ब्यूरोक्रेट से मनरेगा को चलाती है, और जो अफसर है, ब्यूरोक्रेसी है, उसको मनरेगा नहीं चला, वो मनरेगा को नहीं चलाना चाहते, वो सही पैसा नहीं भेजते हैं। और नरेंद्र मोदी जी ने बजट भी कम कर दिया। तो आज अगर आप देखें, ये जो आपकी शक्ति थी, चाहे वो मनरेगा हो, भोजन का अधिकार हो, वो बस नाम में है, चलता नहीं है, उसका जो फायदा मिलना चाहिए वो आपको नहीं मिलता है। और एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक जो हमने आपको अधिकार दिए थे उनको छीना जा रहा है। मैं आपसे छोटा सा सवाल पूछना चाहता हूं, मनरेगा को चलाने में कांग्रेस पार्टी ने 35,000 करोड़ रुपए उस समय दिए थे, पूरी की पूरी मनरेगा को चलाने के लिए 35,000 करोड़ रुपए लगे थे, आपने नीरव मोदी का नाम सुना है? सुना है आप लोगों ने नीरव मोदी का नाम? नीरव मोदी हिंदुस्तान के बैंक से 35,000 करोड़ रुपए चोरी करके भाग गया। आप समझिए, जितना पैसा कांग्रेस पार्टी ने मनरेगा में डाला था, उतना पैसा एक व्यक्ति, सिर्फ एक व्यक्ति हिंदुस्तान के बैंक से चोरी करके भाग गया। और उस पर कोई कार्रवाई हुई? बिल्कुल नहीं, कोई कार्रवाई नहीं हुई। आपको जमीन से उठा के फेंक दिया जाता है, आपको कहा जाता है कि हम आपको कॉम्पनसेशन नहीं देंगे, आपको कहा जाता है कि आपके अधिकार नहीं दिए जाएंगे, आपसे मनरेगा छीना जाता है, और फिर एक व्यक्ति हिंदुस्तान के बैंक से 35,000 करोड़ रुपए लेकर भाग जाता है। दूसरा उदाहरण, विजय माल्या का नाम आपने सुना है? सुना है? विजय माल्या हिंदुस्तान के बैंक से 10,000 करोड़ रुपए लेकर भाग गया। जाने से पहले फाइनेंस मिनिस्टर अरुण जेटली जी उनसे मिलते हैं, पार्लियामेंट हाउस में मिलते हैं, विजय माल्या अरुण जेटली जी से कहता है, देखिए मैं जा रहा हूं, मैं लंदन जा रहा हूं, और विजय माल्या उनकी बात सुनते हैं, और फिर ना पुलिस को बताते हैं, ना सीबीआई को बताते हैं, ना इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट को बताते हैं, विजय माल्या जी निकल जाते हैं। किसान अपनी जमीन के लिए लड़ता है, एक एकड़ जमीन के लिए, एक बीघे के लिए लड़ता है, उसको आप उठा के बाहर फेंक देते हो, अगर और लड़ता है उसको आप जेल में डाल देते हो, मगर जो व्यक्ति 9,000 करोड़ रुपए लेकर भागता है उसके खिलाफ आप कोई कार्रवाई नहीं करते हो, यह सच्चाई है। तीसरा उदाहरण देता हूं, भैया ठहर जाइए, भाषण हो रहा है। तीसरा उदाहरण देता हूं, हिंदुस्तान की एयरफोर्स हवाई जहाज खरीदती है, यूपीए की सरकार 526 करोड़ रुपए में हवाई जहाज खरीदती है, बीजेपी की सरकार आती है, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड पब्लिक सेक्टर की कंपनी है, उसको कांग्रेस पार्टी ने कॉन्ट्रैक्ट दिया था राफेल हवाई जहाज, लड़ाकू हवाई जहाज बनाने के लिए, उसमें लाखों लोगों को फायदा होता, इंजीनियर्स को फायदा होता, युवाओं को रोजगार मिलता, आदिवासियों को बेटे के बेटों को, बेटी बच्चियों को रोजगार मिलता, किसानों के बच्चों को रोजगार मिलता। प्रधानमंत्री जी फ्रांस जाते हैं, कॉन्ट्रैक्ट को बदलते हैं, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड कंपनी से छीनते हैं, हिंदुस्तान के किसानों से, हिंदुस्तान के युवाओं से छीनकर अपने मित्र अनिल अंबानी को कॉन्ट्रैक्ट देते हैं।
526 करोड़ का हवाई जहाज 1600 करोड़ रुपए में खरीदा जाता है। फायदा एक उद्योगपति को मिलता है, 30,000 करोड़ रुपए सीधा आपकी जेब में से अनिल अंबानी जी के जेब में जाता है। और मैंने ये प्रधानमंत्री जी से पार्लियामेंट पे सवाल पूछा, मैंने उनसे पूछा एक बात बताइए, जब किसान आवाज उठाता है, एक बीघे के लिए लड़ता है, 50,000 रुपए 60,000 रुपए के लिए लड़ता है, आप उसको जेल में डालते हो, आप उस पर गोली चलवाते हो, आप लाठी चार्ज करवाते हो। जब किसान, जब आदिवासी जल के लिए लड़ता है, जंगल के लिए लड़ता है, जमीन के लिए लड़ता है, तो आप उसे कहते हो नहीं, ये जंगल तुम्हारा नहीं है, इसे जमीन तुम्हारी नहीं है, ये जल तुम्हारा नहीं है। और जब आदिवासी पूछता है तब आप उसको गोली मारते हो, उस पर आक्रमण करते हो। मगर जब अनिल अंबानी जी ने आपसे कॉन्ट्रैक्ट मांगा तो आपने उसके जेब में सीधा बिना किसी को पूछे 30,000 करोड़ रुपए जेब में डाल दिया। देश में 30,000 रुपए से मनरेगा चल जाता है, और आपने इस उद्योगपति को मदद करने के लिए उतना ही पैसा उसके जेब में डाला। ठीक है, आप देना चाहते हो दे दो, आप 15 उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाना चाहते हो पहुंचा दो। मगर फिर मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, यह मैंने मोदी जी से बात की, क्यों नहीं आप इतना ही पैसा किसानों के लिए भी कर्जा माफ करके दे दो। अब मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं सिर्फ न्याय मांग रहा हूं। अगर आप कहते हो कि 15 उद्योगपतियों का 4 साल में 3,00,000 करोड़ रुपए माफ होना चाहिए, तो फिर मैं कहता हूं कि 3,00,000 करोड़ रुपया आदिवासियों को भी दो, किसानों को भी दो, मजदूरों को भी दो, दलितों को भी दो, गरीबों को भी दो। हम सिर्फ न्याय मांग रहे हैं, हम कह रहे हैं कि अगर देश को आगे बढ़ना है तो सबके लिए जगह होनी चाहिए। हम समझते हैं कि उद्योगपति के लिए जगह हो, हम मानते हैं इस बात को कि उनको भी काम करना है, उनको भी फैक्ट्रियां लगानी है। मगर फिर हम ये पूछते हैं और हम ये कहते हैं कि अगर 15 लोगों को आप इतना फायदा पहुंचा रहे हो तो फिर हिंदुस्तान की जमीन जनता को भी फायदा पहुंचाओ, गरीब जनता को भी फायदा पहुंचाओ, किसानों को भी, महिलाओं को भी। आपने नोटबंदी की, आपने गरीब जनता से कहा, आदिवासी महिलाओं से कहा, जाके लाइन में खड़े हो, पूरा देश जाके लाइन में खड़ा हुआ। आपने कहा कि काले धन को हम सफेद में बदलेंगे, आपने सबसे कहा, आदिवासियों से कहा, गरीब लोगों से कहा, 15,00,000 रुपए हर बैंक अकाउंट में आएगा, पूरा देश लाइन में खड़ा हुआ। हिंदुस्तान के सबसे अमीर लोगों का लाखों करोड़ रुपए काला धन सफेद में बदला गया, कोई जेल नहीं गया। मगर 15,00,000 रुपए किसी भी गरीब को, किसी भी आदिवासी को, किसी भी दलित को, किसी भी किसान को नहीं मिला। तो हमारी लड़ाई न्याय की लड़ाई है। हमारा कहना है कि अगर आदिवासी की जमीन है, अगर आदिवासी का जल है, अगर आदिवासी का जंगल है, तो फिर आदिवासी को जल, जंगल, जमीन का फायदा मिलना चाहिए। और इसीलिए जब राजगोपाल जी हमारे पास आए और उन्होंने 10 पॉइंट्स की बात की थी, आपके अधिकार की बात की थी, इसीलिए हमारे मंत्री आपके पास आए, जो बात सिंधिया जी ने कही, और हमने आपसे कहा कि हां, जो आपकी मांगे हैं उनके लिए हम भी लड़ेंगे, आपके साथ खड़े होकर लड़ेंगे, और हम आपको पूरा करके देंगे।
अब 4.5 साल से उनकी सरकार है। जो हमने आपसे कहा था, आपको समर्थन की बात, आपसे समर्थन की बात की थी, बीजेपी उसके बारे में कुछ नहीं कहती, आपसे बात तक नहीं करती। यह फर्क है उनमें और हम में। हम आपके साथ खड़े होते हैं, जो आपकी मांगे हैं हम आपके साथ खड़े होके उनको पूरा करना चाहते हैं। ट्राइबल बिल लाए, हम ट्राइबल बिल लाए, पैसा कानून लाए, पूरे देश में आदिवासियों को आपकी जमीन का हक देने के लिए लाए कि आपको आपका हक मिले और आपकी जमीन की रक्षा हो। पार्लियामेंट में पास हुआ, मगर जब बीजेपी की सरकार स्टेट में होती है, ना पैसा का कानून ना ट्राइबल बिल लागू होता है। कागज पे लिखा हुआ है कि हां लोकसभा में ऐसा कानून पास हुआ, राज्यसभा में ऐसा कानून पास हुआ, मगर कानून पैसे कागज पे ही रहता है। और मैं आपको आश्वासन देना चाहता हूं, जैसे ही मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी की सरकार आएगी, राजस्थान में कांग्रेस पार्टी की सरकार आएगी, ट्राइबल बिल को हम लागू करके दिखाएंगे। जैसे हमने मनरेगा चलाया था, वैसे ही हम आपके अधिकारों को आपके हवाले कर देंगे, क्योंकि ये कोई तोहफा नहीं दे रहे हम, ये हम आपको कोई गिफ्ट नहीं दे रहे हैं कि हां हमारी सरकार बनी है और आप लीजिए तोहफा। नहीं, ये तोहफा नहीं है। जैसे गांधी जी ने कहा था, ये आपका अधिकार है, ये आपका हक है, ये आपका है, ये और किसी का नहीं है, और ये हम आपको वापस देना चाहते हैं। इसीलिए हम यहां खड़े हैं और इसीलिए हम गांधी जी की फोटो के सामने हाथ जोड़कर फूल लगाते हैं। नियत की बात होती है। देखिए, मैं यहां आया हूं, मैं आपसे बात कर रहा हूं, नियत साफ है मेरी, क्योंकि मैं मेरे दिल में आपके लिए, आपके अधिकारों के लिए, आपकी लड़ाई के लिए जगह है। मैं जो भी करता हूं, आप देखिए, मैं जो भी करता हूं, हर काम के अंदर मैं पहले सोचता हूं कि जो मैं करने जा रहा हूं, इससे गरीबों को क्या फायदा होगा या नुकसान, और अगर नुकसान होगा तो मैं उस काम को नहीं करता हूं। और दूसरी तरफ उल्टा है, जब बीजेपी के लोग नरेंद्र मोदी जी काम करते हैं, वो सोचते हैं चलो इस काम में हिंदुस्तान के सबसे अमीर लोगों का फायदा होगा या नुकसान, और अगर उनको लगता है कि सबसे बड़े अमीर लोगों का फायदा होगा तो ही वो काम करते हैं, अगर नुकसान होगा तो वो काम नहीं करते हैं। तो नियत की बात है। देखिए, मैं यहां आकर कोई भी वायदे आपसे कर सकता हूं, कोई भी कर सकता है, मोदी जी भी आपको यहां आके वायदे कर सकते हैं, कह सकते हैं कि मैं ये करूंगा वो करूंगा, मगर आप मेरे सब भाषण देख लो, 2004 से मैं राजनीति कर रहा हूं, आप मेरे सब भाषण देख लो, सुन लो अच्छी तरह, इंटरनेट पे आपको मिल जाएंगे, और आप मुझे एक भाषण दिखा दो जहां मैंने कोई झूठा वायदा किया हो, आप मुझे एक उदाहरण दे दो जहां मैंने 15 लाख रुपए देने का वायदा किया हो। कर्नाटक में अभी चुनाव हुआ और चुनाव में मैंने कहा कि जैसे ही कांग्रेस पार्टी चुनाव जीतेगी, किसानों का कर्जा माफ करके हम दिखा देंगे। और जब हमारी सरकार बनी, मैंने चीफ मिनिस्टर से साफ बोला,
कि देखिए हमने जनता से, हमने कर्नाटक के किसान से वायदा किया हुआ है, हम आपको समर्थन दे रहे हैं, मगर किसान का कर्जा माफ कांग्रेस पार्टी की सरकार, कर्नाटक की सरकार को करना ही पड़ेगा। और कर्जा माफ हुआ। राजगोपाल जी ने सही बात बोली कि सिर्फ कर्जा माफ करने से बात नहीं बनेगी, सही है। मगर मैं राजगोपाल जी से कहना चाहता हूं कि आज किसान दुख है, दबा हुआ है, घबराया हुआ है और जी नहीं पा रहा है, और आज किसान को मदद की जरूरत है, इसीलिए हम मदद करते हैं, इसीलिए हमने कर्जा माफ किया। मगर सॉल्यूशन जो उन्होंने बात बोली बिल्कुल सही है, सॉल्यूशन सिर्फ कर्जा माफ से नहीं होगा, सॉल्यूशन किसान की जिंदगी को बदलने से होगा, एक नए तरीके से सोचने से होगा, और वो काम सिर्फ कांग्रेस पार्टी कर सकती है, और हमने करके दिखाया है। हरी क्रांति, सफेद क्रांति, टेलीकॉम्स की क्रांति, ये कांग्रेस पार्टी ने काम करके दिखाया था। बैंक नेशनलाइजेशन कांग्रेस पार्टी ने करके दिखाया था, और हम कर सकते हैं। हम समझते हैं कि देश को आगे ले जाने के लिए, देश को बदलने के लिए क्या करना है। मगर मैं स्टेज से आपको यह कहना चाहता हूं कि सबसे पहले आप नियत पहचानिए, जो आदमी के दिल में है उसको आप पहचानिए, क्योंकि जो भी आदमी करता है, जो भी व्यक्ति करता है, वो दिल से करता है। अगर आपने ये बात पहचान ली तो आप सही आदमी को चुनोगे। आप भाषण सुनो, बातें सुनो, मगर जो व्यक्ति कर रहा है, जो लड़ाइयां लड़ रहा है, उससे व्यक्ति को पहचानो। जमीन अधिकरण कानून के लिए कांग्रेस पार्टी आपके लिए लड़ी। लोग भ्रष्टाचार की बात करते हैं, हिंदुस्तान में सबसे बड़ा भ्रष्टाचार, सबसे बड़ा भ्रष्टाचार जमीन में होता है, और नुकसान किसको होता है? हिंदुस्तान के गरीब किसानों को होता है, मजदूरों को होता है, क्योंकि सीधा उसके जेब से पैसा निकाला जाता है। हम ये लड़ाई लड़े। भट्टा परसौल में मैं गया, खड़ा था किसानों के साथ, खड़ा था न्यामगिरी में, मैं खड़ा था उड़ीसा में, खड़ा था मध्य प्रदेश में, खड़ा था छत्तीसगढ़ में, झारखंड में खड़ा था, और लड़के कांग्रेस पार्टी ने आपको यह कानून दिया। खोखले वायदे नहीं किए हमने, पैसा कानून आपको दिया, किसानों का कर्जा माफ किया, ट्राइबल बिल आपको दिया, मनरेगा आपको दिया, भोजन का अधिकार आपको दिया, सूचना का अधिकार आपको दिया, लड़के दिया। मार खाई हमने आपसे, हाँ मार खाई, चोट लगी हमें, मजाक उड़ाया गया, मगर हम खड़े रहे, आपके साथ खड़े रहे, और हमें आपको ये अधिकार दिए। तो आप इस बात को पहचानिए, झूठे वायदे कौन कर रहा है, अनिल अंबानी के साथ कौन खड़ा है, नीरव मोदी के साथ कौन खड़ा है, विजय माल्या के साथ कौन खड़ा है, और आदिवासियों के साथ, किसानों के साथ, दलितों के साथ, मजदूरों के साथ कौन खड़ा है। यह फर्क आप पहचानिए, क्योंकि हम आपकी जिंदगी बदलना चाहते हैं, आपके साथ खड़े होके आपके जल की, जमीन की, जंगल की लड़ाई लड़ना चाहते हैं, और लड़ाई जीतना चाहते हैं, आपको अपना अधिकार देना चाहते हैं। मध्य प्रदेश के किसानों से मैं आखिरी बात बोलना चाहता हूं। आपसे बीमा का पैसा लिया जाता है, और फिर जब आपका नुकसान होता है, आपको कहा जाता है कि नहीं भैया, आपको पैसा नहीं मिला जाएगा, गांव के आधार पे
बीमा का निर्णय लिया जाएगा। हमने आपने अपने मैनिफेस्टो में लिखा है कि खेत के बेसिस पे कांग्रेस पार्टी बीमा का पैसा देगी। यह पैसा आपका है और यह पैसा आपको मिलना चाहिए और यह काम कांग्रेस पार्टी करके दिखाएगी। तो काफी लंबा बोला मैं, और अंत में मैं आपसे कहना चाहता हूं, आपके ऊपर आज हिंदुस्तान में आक्रमण हो रहा है। किसानों पर, आदिवासियों पर, गरीबों पर, मजदूरों पर, दलितों पे, माइनॉरिटीज पे आक्रमण हो रहा है, जबरदस्त आक्रमण हो रहा है। आपके जो अधिकार हैं एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक छीने जा रहे हैं। पंचायती राज से शक्ति छीनी जा रही है, मनरेगा को बंद किया जा रहा है, पैसा कानून को खत्म किया जा रहा है, ट्राइबल बिल को खत्म किया जा रहा है। एक तरफ बीजेपी के लोग खड़े हैं, दूसरी तरफ हिंदुस्तान की जनता, हिंदुस्तान के किसान, हिंदुस्तान के मजदूर, छोटे दुकानदार, आदिवासी, दलित, महिलाएं और कांग्रेस पार्टी खड़ी है। और मैं आपको इस स्टेज से कहना चाहता हूं, अधिकार की लड़ाई, देश के अधिकार की लड़ाई गरीब जनता, आदिवासी, किसान, मजदूर, छोटे दुकानदार और कांग्रेस पार्टी जीतने जा रही है। हम यह लड़ाई लड़ रहे हैं और यह लड़ाई हम जीत के दिखाएंगे। और जो आपका हक है, जमीन का, जल का, जंगल का, हम आपको दे के ही रहेंगे। हम एक कदम पीछे नहीं हटने वाले, चाहे कुछ भी हो जाए। दिल से आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका धूप में आप आए, काफी कष्ट हुआ, इसके लिए आप सबको दिल से, राजगोपाल जी को, आपके संगठन को, कांग्रेस पार्टी के नेताओं को, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं को दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद। साथियों, एक बार राहुल जी का जोरदार जय जगत के साथ धन्यवाद करेंगे। जय जगत, जय जगत, झंडा ऊंचा उठा के, दोनों झंडे उठा के, जय जगत, जय जगत, जय जगत। साथियों, एक गीत हमारे रायसेन के साथी बाजा बजाएंगे और श्रद्धा बहन सबका धन्यवाद करेंगे। सम्माननीय राहुल गांधी जी, सम्माननीय सिंधिया जी, आदरणीय कमलनाथ जी, दिग्विजय सिंह जी और कांग्रेस के